एक देश का प्राइम मिनिस्टर एक सड़क पर जोड़े पंचर असलम पंचर वाला डे नाइट सर्विस और मिल गए दोनों लक बाई चांस देखो फिर किस्मत जब मैं बैठा जाके पहले दिन पंचर वाले की दुकान में तो मंदिरा जी मेरे पास चार पांच बार ऐसे आके गए और मुझे पहचाने नहीं मैंने सोचा कि वो शी इज बिजी विद सम अदर थॉट शी इज द प्रोड्यूसर शी हैज हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स तो फिर मंदिरा जी मेरे पास आए आके बोले अरे मैंने आपको पहचाना ही नहीं था मैं उसको बोल रहा था कि यार सबको अगर फल खिलाओगे तो हमारा प्रोडक्शन का क्या हाल होगा बट आई डिडंट रियलाइज इट वाज यू कि आप ही हो आपको खिला रहा था तो मुझे लगा कि ओके दिस इज वर्किंग मेरे निर्माता तो शुरू से मानते रही थी कि असलम पंचर वाला की कहानी के लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो पंचर वाला दिखे दूसरा उसके व्यक्तित्व में ऐसी बात भी होनी चाहिए कि वक्त पड़ने पर वो बहुत ही सभ्य जिसको हम सोफिस्टिकेटेड कहते हैं ऐसा भी दिखे आई वॉज लकी इनफ टू बी कॉल्ड बाय समबडी कॉल्ड डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी और मैंने कई लोगों के विरोध में जाकर ये तय किया कि हम आदिल साहब के साथ काम करेंगे The best thing about Adil is that he's a very good teacher, being coming from NSD and also teaching acting. So while I used to be sitting with Adil and rehearsing our scenes, he used to make sure that we don't do the scene in a particular fashion the way it is meant to be. बोल रहा है जलता हूँ मुझसे, सुन। चलो, वो कौड़ी के इंसान हो कि मेरे शौहर पे हाथ उठा दियो, तेरी सुबार खींच लोगी। अब आजा तो तूने मेरे आदमी को एक्टिंग को तो वो एक्टिंग एक प्रोफेशन नहीं मान एक्टिंग को वो एक रिलीजन मानते हैं बैठे राजा को 11वीं तक तो वैसे साइकिल की दुकानें खत्म होने लगी थी असलम पंचर वाले जैसे व्यक्ति से नहीं मिला सर तो मुझसे निकाल क्यों नहीं करते समझा करो मेरी जान जो जान छुप छुप कर मिलेगा वो साफ़ लेने का स्मॉल टाउन He doesn't have all these stresses. जब भी गुस्सा भी करता है, innocence retain करके वो गुस्सा करता है। तो क्या कर रहे हो तुम? It's not like क्या कर रहे हो तुम? Not the city anger because he doesn't have that aise bhi to sara jail mein hi thi na sir ko phone kiya usko jo phone hi nahi utha tha main pehle ek session thi तो ये अद्भुत चरित्र है ये असलम का तो मुझे लगता है जो पहली प्रतिक्रिया आएगी कि शायद निर्देशक का ये निर्णय सही था आदिल साहब के चुनाव होते ही हमें एक दूसरी ऐसी अभिनेत्री चाहिए थी कि जो फ्रेम में सुंदर भी दिखे प्रतिभाशाली तो पहली शर्त है दूसरी बात उसमें एक फ्रेशनेस हो इट वॉज अ वेरी डिफरेंट फीलिंग फॉर मी बिकॉज एक तो आप बिलो पॉवर्टी लाइन का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं दूसरा यू आर अ मुस्लिम आई हैव नेवर प्लेड अ मुस्लिम लेडी मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था बहुत चैलेंजिंग था कौन तुमसे दुश्मनी करेगा पंचर वाले वो थोड़ा सामान साथ में रख लिया करो बोला डर लग रहा है बिकॉज़ शी इज लाइक अ टिपिकल इंडियन वाइफ हु इज डोमिनेटिंग कंट्रोलिंग हर हस्बैंड बट येट अ लिटिल स्केयर्ड ऑफ हिम व्हेन ही चेंजेस हिज कलर्स एक्शन खबरदार से सिक्योरिटी हटाने का ख्याल दोबारा अपने मन में दिलाया एक पंचर वाले से शादी कर मुझे मिला क्या है मोना का जो पहला दिन था वो मुकेश तिवारी और आदिल साहब के साथ था मैंने एक बहुत लॉन्ग शॉट लगा रखा था और उसमें जिस तरह से मोना अभिनय कर रही थी मैं देख के डर गया और डर यहाँ तक गया कि मुझे लगा कहीं मेरा ये निर्णय गलत तो नहीं है ही सो टैलेंटेड ही न्यू ईच एंड एवरीथिंग अबाउट हमीदा तो उन्होंने मुझे बताया कि क्या करना है कैसे करना है मैंने मोना से कहा कि मोना तुमने जो अब तक किया वो सब भूल जाओ This is now or never. और मैंने शब्द इस्तेमाल किया था It's like romancing with camera. थोड़ा अपनी बॉडी लैंग्वेज चेंज करो थोड़ा देहाती बनो देसी बनो बात बात में हाय राम हाय भगवान निकलता था तो अभी हाय अल्लाह मसाला लाहौर ही रखना बिल्कुल बिल्कुल भैया ये क्या है उसके बाद हर दिन मोना जिस तरह से प्रगति करती जा रही थी बेहतर करती जा रही थी एक एक्टर अगर अपने काम को लेके सीरियस है
तो वो कितने जल्दी और बेहतर करता है उसका मैंने अपने सामने को उदाहरण देखा मोना सिंह में। She has got something which is very vulnerable, very innocent and open, and there is a ingrained and inherent warmth she has, and which is so important for an actor to have, even if you are playing a cruel role. सही बात है यार, बहुत तकलीफ है, बड़ा गाड़ी है ना। उस किस्म की एक ट्रक जो इतना बड़ा और इतने छोटी और पतली गली में है तो कोई भी बंदा जो है वो घबरा जाएगा। तो मैंने देखा कि ये बंदा कर नहीं पा रहा है, तो आई थॉट आई विल गिव इट अ शॉट, आई वाज नॉट श्योर आई विल बी एबल टू डू इट। चाबी दे दो भाई, सर कर देंगे। क्या करने इसके यहां का पहले से ही खुला है। सो बैठा हूं, मैंने कहा स्टार्ट तो हो जाता है, अच्छा ये एंड आई एम गुड एट गोइंग बैक। तू फेंके पर खेले असली खेल खुदाई। When I saw these bullets which are being brought for the shoot, अगर वो स्टार्ट नहीं होएगा तो मैं शूट नहीं कर पा रहा हूँ। तो यात्रा मंगल मेरे नहीं भाई, हमने सोचा ये डिस्कवर है या पल्सर, ये तो अपना बाप निकला। वो अब बुलेट मोटरसाइकिल्स हैं, इतना ज्यादातर यूज करते नहीं लोग, तो बार बार बंद हो रहे। So I have a bullet since 1995. So I grew up with Enfield. You cannot kick a bullet. You have to play it. It's like that, you know. You cannot like, okay, start नहीं हो रहा है, उसको करो, ऐसा नहीं चलता। तो वो जब भी बंद हो आदिल ऐसे ठीक कर दे। So I had been helping them out a little bit and it was a pleasure. I was behaving like one heroine in Mandawa where the temperature was 6 degrees and 5 degrees. Mandira also told me ki Mona jacket pehen lo, shawl le lo. I said nahi nahi, I'm cool, I'm enjoying the cold. And the next day was the shoot and I was down with viral fever, 104, voice gone. Mona ki awaaz ja chuki thi, wo bol hi nahi pa rahi thi. Maine apne saathiyon ko phone kiya ki isse main kya dawa doon, to steroid मेरे साथियों ने उसके लिए प्रिस्क्राइब किया, क्योंकि मैं चाहता था कि बस एक घंटे में इसकी आवाज़ खुल जाए। But we had to shoot because we had that location for that day. तो मैं तो ऐसा हो रहा था, आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। किसी बार मारा जा रहा है, बात करने की था। लेकिन एक घंटे में आवाज़ नहीं खुली, पर तब हम लोगों ने उसका तरीका ये ढूंढा। मैंने मोना को समझाया कि तुम्हें संवाद तो याद है ना, तो तुम संवाद करने की मिमिक्री करो, माइम करो, अभिनय करो। अरे धीरू भाई, और हमारा एक एडी था, ही रियली हेल्प मी आउट एंड ही सेड कि मैम आप बस मुंह हिलाओ, पीछे से मैं बोलूंगा। आई सेड चल दे, खबरदार जो तूने मेरे आदमी को उल्टा सीधा कहा, पहुंच गया So like a sherni, I was like going ahead fighting with Mukesh Tiwari, Adil, Shivani and background mein AD piche piche se bol rahe the. Kisne hamara scooter chura liya hai? Kisne mujhe barbaad karne ki thaan rakhi hai? Ab chillane se scooter wapas aane se raha. लेकिन अभी जब डबिंग की तो सुनने में इतना फनी लग रहा था। आप
कितना भी बेहतरीन सेट लगा दें, जो एक फील, एक अनुभव, जो एक वास्तविक जगह की होती है, वो सेट में नहीं आता है। ऐसा भी मैं नहीं कहता कि असंभव है, और उसके लिए आपको बहुत खर्च करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। I think real location में shoot करने में ज़्यादा मज़ा आता है. It's a real feeling. You actually know that you can't lean on that छत because वो टूट जाएगी सच में. वो घर ही ऐसा लिया था इन्होंने. But एक तो obviously घर का location का feel was brilliant. Old and it was dry, it was dusty, and we would all pop good in our mouth to get the sand down. जो outdoor में काम करके ज़्यादा मज़ा आया. You don't have to go back home. You're all together. It's another family together. After pack up, we all used to sit together, have dinner, sing songs, and eat and make merry. It was beautiful. ऐसी बरकत है इस जगह में, इस यूनिट में, इसकी कहानी में, यहाँ के एटमॉस्फेयर में. We shot the songs in Mandawa, all of them in different locations within Mandawa. The best part is that it's Sukhwinder Singh who's given music. He's even singing the songs. We have given the music in this film. It's mind blowing. थोड़ा सा folklore है, थोड़ा सा fusion है. एक सूत्रधार के रूप में पेश करें, जो गाकर कहानी को नरेट करता है. आप इतना अच्छा करते हो, ये आपने मुझे बिगाड़ा कि आप one shot ओके देते हो. It was such a new concept for me because, you know, I've never heard somebody say. So I told Dr. Sabha, is it an item song? He said, no, it's not going to be an item song. Blink ho gaya na, ye kya hai? Bhushan ji, I love him. He's a great choreographer. He brought out the best that I could give ever. उनके एक्सप्रेशंस, उनके जो मूवमेंट है, बॉडी लैंग्वेज इतनी ब्रिलियंट है कि कई बार मैं कनखियों से उनको देखता रहा. Obviously look तो है ही वैसा, मगर उसके जो steps होंगे, it will be exactly ethnic and traditional. पड़ोसी पाकिस्तान से परेशान है, मैं भी हुजूर. बार बार मुझे जान से मारने की धमकी मिल रही है पड़ोसी से. It's terror alert. एक देश का प्राइम मिनिस्टर एक सड़क पर जोड़े पंक्चर. The big question is, should the Indian Prime Minister know Hindi? हिंदी इज अ डाइंग लैंग्वेज.
हिंदी भाषा बोलेंगे सबको समझ में आएगा। Who speaks Hindi these days? ज्यादा तो लोग हिंदी ही बोलते हैं भाई, ये तो हिंदुस्तान है स्वतंत्र, हम कुछ भी बोल सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर शुड नो नेशनल लैंग्वेज। अगर इरादे सही है तो कोई भी भाषा में बात करे। हिंदी हिंदी हिंदी। Hindi's our heritage, like Sanskrit and Pali. But yes, language should not be imposed on someone. प्रधानमंत्री को वो भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिसमें कि सबको समझ में आए। क्या हमारे राज्यकर्ता, क्या वे आम आदमी की ज़बान समझते हैं? I would love to do something for you and your दरगाह. प्रधानमंत्री, दरगाह तुम्हारे लिए कुछ करना चाहते हैं। But most of the misunderstandings happen because of communication. दिन ब दिन रिश्ते खराब होते जा रहे हैं, बार बार जान से मारने की धमकी मिल रही पड़ोसी से। Sir, he's trying to say that his life is in danger. He's getting threats from neighbor. आम आदमी और जो शासन कर रहे हैं उनमें बहुत दूरियां आ रही हैं। Language should be the same, that the one you understand and the one you speak. जय हिंद सर। तुमने ऐसा क्या कह दिया प्रधानमंत्री से कि घर के बाहर इतनी पुलिस लग गई? अरे मिल गए दोनों लकड़ी। ये सब दिन रात यही रहेंगे? जी मैडम। माय मदर टंग इज एसम इज नॉट हिंदी एट ऑल। आई हैड बीन इंपोज्ड हिंदी अपॉन बाय, सो आई एम जेनरस इनफ टू एक्सेप्ट हिंदी एज माय राष्ट्रभाषा। जीना आराम हो गया मेरा, ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने लिए नहीं भारत सरकार के लिए जी रहा हूँ। अंग्रेजी का स्थान अब हमारे लिए माँ जैसी ही हो गया है, मासी है, लेकिन उसके लिए मैं अपनी मादरी ज़बान, अपनी मातृभाषा को नहीं भुला सकता। कादम साहब, बहुत बड़ी चूक हो गई है। किससे सर? शायद प्रधानमंत्री से। प्रधानमंत्री भी गलती करते हैं? अब प्रधानमंत्री को तो हम गलत नहीं कह सकते ना। एक देश का प्राइम मिनिस्टर एक सड़क पर जोड़े पंक्चर। मुझे नहीं लगता कि वर्तमान भारतीय समाज में कुछ एक लोगों को छोड़ के इतने सुरक्षा तंत्र की जरूरत है। मुझे लगता है आम आदमी को ज्यादा सुरक्षा तंत्र की जरूरत है। जब हम एयरपोर्ट पर खड़े होते हैं तो एक साधारण सा एक्टर उसको स्कॉट करके चार सिपाही ले जा रहे होते हैं, जबकि संविधान हमें चीख चीख कर कहता है कि हम सभी संविधान के सामने समान हैं। People's leaders should be loved by people. You have to have the guts to face the bullet. I think in smaller towns in India, it is a show off. But yes, in metros, our prime minister, president, they all need it. Creating inconvenience by the VIP cars in Delhi, I face all the time. Everybody wants to get somewhere in a hurry, and there are cops on the road, and they're stopping traffic because some VIP or VVIP is going to pass. तो ऐसा हो गया है कि जो भी व्यक्ति अफोर्ड कर सकता है वो अपने साथ चार सिपाही लेकर चलता है या चार बाउंसर लेकर चलता है कि औरों को ढकेल दिया जाए। दे कैन हैव द सिक्योरिटी बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द सिटीजंस।